दोस्तों अक्सर हमने ये बात सुनी होगी और कही भी होगी कि अगर लोन का ईएमआई ना होता ना तो मैं बाहर घूमने जा सकता था, अगर ये ईएमआई ना होता ना तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता था, अगर ये ईएमआई ना होता ना तो मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि हमारे सपने और हकीकत के बीच में दीवार बन के जो खड़ा है दोस्तों वो ईएमआई है। अगर हम अपनी ईएमआई को अपनी ज़िंदगी से कम कर दें या हटा दें तो मैं मानता हूँ कि हम अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं हूँ आपका दोस्त सियार्दिक ठक्कर, स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ऐसी जानकारी जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। दोस्तों हम सब ने होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, टर्म लोन ले रखा है, जिसमें हम ईएमआई मंथली बेसिस पे भरते हैं। दोस्तों अगर हम अच्छे से प्लानिंग करें तो हम लाखों रुपए दोस्तों बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाखों रुपए दोस्तों हम बचा सकते हैं। अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए, विद एग्जांपल उदाहरण के साथ मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं कि कितना पैसा दोस्तों हम बचा सकते हैं अगर हम अच्छे से प्लानिंग करें तो। समझ लीजिए, मैंने होम लोन ले रखा है 25 लाख रुपए का, जिसका इंटरेस्ट रेट है दोस्तों 8%, और मैंने ये 20 सालों के लिए लोन ले रखा है, और मेरी जनवरी 2022 से ये इंस्टॉलमेंट हमारी मंथली बेसिस पे शुरू होगी, जिसे हम ईएमआई कहते हैं। 20 साल के लिए है, इसका मतलब क्या हुआ कि 240 महीने तक मैं ईएमआई भरूंगा। तो 25 लाख, 8% का इंटरेस्ट रेट, 20 इयर्स के लिए मैंने लोन ले रखी है, तो दोस्तों हमारा ईएमआई बनता है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का ईएमआई बनता है, मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो 20,000 रुपये का हमारा ईएमआई बनता है, तो हम ये 240 महीने तक हम इस 20,000 को भरेंगे, यानी कि टोटल पेमेंट हम देखने जाएं तो बैंक को हम कितना पेमेंट दोस्तों करने वाले हैं, 50 लाख रुपए का दोस्तों हम बैंकों को पेमेंट करेंगे, जिसमें से हम अगर हम लोन की जो अमाउंट है उसे हम इस टोटल पेमेंट में से निकाल दें तो जो बैलेंस जो आया वो क्या आया, ब्याज आया। हमने 20 सालों तक इतना ब्याज, यानी कि कितना, 25 लाख रुपए का ब्याज दोस्तों हमने बैंक को दिया। यानी कि ऑन अ मंथली बेसिस अगर हम 25 लाख को हम 240 मंथ्स में डिवाइड करें, यानी कि ऑन अ एवरेज हम 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट दोस्तों मंथली बेसिस पर हम बैंक को दे रहे हैं। दोस्तों बैंकों का यही होता है, बैंक भी बिजनेस करती है, हमें लोन देती है, वो भी हमारी मदद करती है, तो उन्हें कमाने का हक है, लेकिन बैंक अपने हिसाब से सोचता है, हमें अपने हिसाब से सोचना है जिससे हम अपने पैसे बचा सके। यानी कि जब इतने सालों का जब लोन होता है तो 10 जो पहले के जो 10-11 साल है दोस्तों उसमें ही ज़्यादातर हम ब्याज का पेमेंट दोस्तों बैंक को कर देते हैं, उसके जो बाद के साल है उसमें ज़्यादातर हम हमारे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होते, वो हमारे प्रिंसिपल पेमेंट होते हैं। दोस्तों जनरली 20 साल के लोन में आप देखेंगे तो 11 साल तक ऐसी पोजीशन है दोस्तों कि हम सिर्फ बैंक को ज्यादातर रूप में ब्याज ही पेमेंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल पेमेंट नहीं कर रहे हैं। यानी कि हमने 25 लाख रुपए का दोस्तों पेमेंट एज अ इंटरेस्ट के रूप में दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहीं से दोस्तों एक सीक्रेट फॉर्मूला मैंने बनाया है, सीक्रेट तो नहीं कह सकते लेकिन आपके लिए एक फॉर्मूला बनाया है जिसे आप अपनी जिंदगी में उसे अप्लाई करके आप लाखों रुपए दोस्तों बचा सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हम सब जानते हैं कि हम 12 ईएमआई दोस्तों हर साल भरते हैं, तो 12 ईएमआई की जगह पे हमको सिर्फ एडिशनल 3 एडवांस ईएमआई भरने, यानी कि 12 महीने में हमको 15 ईएमआई भरना है। तो कितना होगा दोस्तों, हमारा एक ईएमआई 20,000 रुपये का है, तो अगर हम 3 ईएमआई भरेंगे एक्स्ट्रा पूरे साल में तो 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये दोस्तों हमें चाहिए। तो इतनी सेविंग दोस्तों हमें करनी है। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, जब हमने लोन लिया है बैंक से तब हमारी कुछ इनकम कैपेसिटी कुछ अलग होगी। दोस्तों आने वाले सालों में कुछ भी हमारी इनकम कैपेसिटी का वो ही रहेगी, नहीं रहेगी। अगर हम जॉब करते हैं तो हमें इंक्रीमेंट मिलेगा, हमारी सैलरी बढ़ेगी, हमें इंसेंटिव मिलेगा, तो हमारी इनकम आने वाले सालों में बढ़ने वाली है। अगर हम बिजनेसमैन हैं तो अच्छे बिजनेस का ग्रोथ होगा, हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट्स बढ़ेगा, तो आने वाले सालों में हमारी जो इनकम की जो कैपेसिटी है दोस्तों बढ़ने वाली है। दोस्तों हम उसी कैपेसिटी का बेनिफिट उठा के हमको एडवांस में हर साल 3 ईएमआई का दोस्तों अलग से एक पैसा हमको रखना है, 60,000 रुपये, इतना दोस्तों हमको बचा के रखना है। तो दोस्तों अगर आप 3 ईएमआई
एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं पूरे साल में, तो दोस्तों पूरा कैलकुलेशन बदल जाता है दोस्तों। तो कितना होगा, तो अब आप कितना पेमेंट करोगे, तीन अगर ईएमआई हर साल अगर आप भरते हैं तो आपका टोटल पेमेंट बैंक को कितना हो जाएगा, 41 लाख, 41 लाख रुपए का दोस्तों पेमेंट हो जाएगा। उसमें से अगर हम लोन की अमाउंट को निकाल दे तो दोस्तों कितना बचेगा, 15 लाख रुपया। पहले हमने कितना पेमेंट किया था बैंक को, 25 लाख रुपया, अब हम कितना कर रहे हैं, 15 लाख रुपए। यानी कि दोस्तों 10 लाख रुपए का दोस्तों अगर फायदा हो गया। क्यों हुआ ये फायदा, क्योंकि हमने एडवांस में ईएमआई भरना शुरू किया, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है बैंक को, हम जो 25 लाख रुपए का जो लोन लिया है उसके सामने जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो दोस्तों हमने एडवांस में शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरी लोन 2042 में पूरी होने वाली थी वो 2035 में पूरी हो जाएगी। यानी कि 7 साल का दोस्तों हमारा जो ब्याज है वो बच गया, हमारा ईएमआई दोस्तों बच गया, जिसकी वजह से हम दोस्तों हमारे एडवांस ईएमआई दोस्तों हम कैलकुलेट करें तो 39 हमने एडवांस ईएमआई भरे, जिसके सामने हमारे 84 ईएमआई दोस्तों बच गए। तो दोस्तों इस प्लानिंग के जरिए आप अपने 10 लाख रुपए बचा सकते हैं। हो सकता है अगर आपकी इनकम कैपेसिटी अच्छी हो तो आप इसे 3 से बढ़ाकर 4 भी कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि हर लोगों तक दोस्तों आप ये वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।